इतिहास आपने पढ़ा है? इतिहास आपने पढ़ा है? अच्छा, अब मैं आपको दिख रही, क्या आपने क्या पढ़ा हो, क्या सीखा? अब मैं आपको टास्क देता हूं, जैसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, आओ करके देखें। तो अभी तक आपने मार्क्स पढ़ा, अभी तक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोझ लगा होगा, यार मार्क्स ऐसी जटिल जटिल बातें करता है। हाँ, कुछ जगह तो है बहुत बड़ा फिलोसफर है, भाई तभी पूरी दुनिया याद करती है, कोई सामान्य कारण था? अब मैं आपसे होमवर्क आपको दे रहा हूं, मुझे आप बताइए दिल्ली में जहां पर रहते हैं उसकी मार्क्सवादी व्याख्या करके मुझे बताइए। पहला टास्क आपका है, जिस समाज में आप रहते हैं उसकी मार्क्सवादी व्याख्या करके मुझे बताइए, तो मैं समझ लूंगा कि अभी आपने मार्क्स को समझ लिया है। अच्छा, एप्लीकेशन आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? एप्लीकेशन। तो भाई आपने क्या सीखा, मुझे कैसे पता चलेगा आपने मार्क्स को पढ़ लिया, मुझे बताइए कि आप आसपास से उसको कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ यू विल अप्लाई मार्क्स। आर्थिक असमानता बहुत है, और मकान मालिक किराया ज्यादा लेता है, और हाँ सही बात है, और कोचिंग का फीस ज्यादा है, और भाई सही बात यार, ये तो ज्यादा ही, मतलब सच में ज्यादा है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय में दोस्तों पढ़ा था, मास्टर्स में 120 रुपए में साल भर की पढ़ाई थी। ₹120 में, और मतलब ऐसे 100-150 रुपए हॉस्टल के लगते थे। अच्छा, और क्या व्याख्या की आपने? अच्छा, ये आरक्षण लेके बैठे हुए ये मार्फा खिलाफ है? अच्छा, मतलब ये कैसे है? अच्छा, और क्या आपने देखा मार्क्सवाद के हिसाब से? क्या क्लास रिवीजन, और धर्म का बढ़ता? तो आप कभी अप्लाई करके उसको देखिएगा हमारा। अच्छा है, दूसरी बात है, मॉडर्न डे आपने पढ़ी है? अब मॉडर्न इंडिया को अप्लाई करने के लिए इसे आप याद रखिए, कई बार हम जैसे नेशनल मूवमेंट है, अगर हमने थिंकर पढ़ लिया, थियोरी पढ़ लिया, तो नेशनल मूवमेंट आपको बताना बड़ा आसान है। मुझे बताइए असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या मुझे बताइए। जिसने किसने पढ़ा नेशनल मूवमेंट, किसने पढ़ा है? नेशनल मूवमेंट आपने पढ़ा है, अब मुझे बताइए असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। मैं वो तो मैं समझ गया, असहयोग आंदोलन का एग्जाम्पल देके बताओ ना। क्या? अच्छा, सभी को साथ लिया था। देखिए आपको, अब देखिए हमने फिर कहा कि अगर मार्क्स आप पढ़ ली तो हर जगह उसका अप्लाई करके देखिए समाज में आसपास। फिर हिस्ट्री आपने पढ़ी कि मार्क्स एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, पूरी मॉडर्न इंडिया में उदारवाद मार्क्सवाद यहीं पे डिबेट आता है, गांधीवाद, उदारवाद मार्क्सवाद गांधीवाद आपको पता, हिस्ट्री आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर आपको क्या लगेगा, हिस्ट्री केवल घटनाओं का पार्ट लगेगी आपको, और हिस्ट्री में घटना नहीं है, फिलोसफी हर जगह है। अब बताइए, बस लास्ट मौका है, कौन बताएगा, बताओ क्या? हाँ है, वो मुझे समझ में नहीं है, शोषक और शोषित का संबंध कहाँ था उसमें असहयोग आंदोलन में? ये तो गांधीवादी तरीका था, मार्क्सवादी तरीका क्या था इसमें? गांधीवादी तरीका था, स्वदेशी को मार्क्सवादी मानते नहीं,
अब आपको याद दिलाते हैं, देखिए कैसे कैसे बताओ तो आप। अच्छा अब आपने बता दिया, अब मुझे मौका दे दीजिए। अब सब लोग पूछ लिया, कहने का सीधा मतलब है पॉइंट नंबर एक, मार्क्सवादी मानते हैं कि अंग्रेज बड़े पूंजीपति, गांधी छोटा पूंजीपति, नंबर एक असहयोग आंदोलन की बात आप कर रहे हैं तो, और दोनों पूंजीपति भाई भाई हैं। गांधी क्या है, बहुत बड़ा बुर्जुआ है, ऐसा अंग्रेज मानते थे, मेरा विचार नहीं दोस्तों, बोले गांधी राष्ट्रपिता है। दूसरा पॉइंट, मार्क्सवादी क्या करते थे, गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि पूंजीपतियों और सामंतों के हित खतरे में आ गए थे। दूसरा पॉइंट, इसलिए गांधी का असहयोग आंदोलन पूंजीपतियों को बचाने के लिए था, न कि किसानों और मजदूरों की मुक्ति के लिए। चौथा, मार्क्सवादी मानते थे कांग्रेस बुर्जुआवादी पार्टी है, इसलिए अगर हमें साम्राज्यवाद, जिसे पूंजीवाद का विस्तारित रूप मानते हैं, अगर हमें साम्राज्यवाद से लड़ना है तो फिर हमें किसानों मजदूरों की पार्टी बनाकर उनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। दैट इज अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये हम एम एन रॉय में पढ़ेंगे भी, हमारे हम एम एन रॉय मार्क्सिस्ट है तो इंडियन थिंकर्स में पढ़ते हैं, उसी हिसाब से अगर आप इंडियन थिंकर्स पढ़ लिए तो नेशनल मूवमेंट को आप लगातार उसको अप्लाई करिए। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, एम एन रॉय को पढ़ लिया, इसे आप देखेंगे थिंकर्स हमें हिस्ट्री को समझने में बड़ी मदद करते हैं। दूसरी बात, अच्छा आपने अभी तक इतिहास पढ़ा, इतिहास कैसे आप पढ़ते हैं, इतिहास है क्या मुझे बताइए थोड़ा सा। अच्छा आप लोग इतिहास, जिसने इतिहास पढ़ा हो बताए आप लोग कैसे इतिहास पढ़ते हैं, क्या उसमें देखते हैं, अच्छा इतिहास बदलता कैसे है। अच्छा मतलब इतिहास राज्य महाराजाओं की कहानी है, ये मतलब ऐसा इतिहास है, रूलर्स चेंज इन हिस्ट्री क्या होता है। अब देखिए, अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी व्याख्या करेंगे। हमने दो तीन पॉइंट आपको बता दिया, पढ़ी हुई चीज को अप्लाई कैसे करते हैं, कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। इसलिए हम बार बार को अगर विषय को पढ़ के आपने अप्लाई कर लिया तो हमारा विषय बड़ा ही उपयोगी है इस मामले में। IRF पढ़ के इंटरनल सिक्योरिटी में अप्लाई कर लीजिए, सोशल जस्टिस हमें पढ़ना ही पड़ता है, और थिंकर का इतना बड़ा रोल होता है। और आपको कभी भी गरीबी पर निबंध लिखने को आ जाए, मार्क्स का विचार एकदम छाप दीजिए, बस इन शब्दों का उपयोग मत करिए, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य ना, वर्गों से ये नहीं करना है, बस हाँ पूंजीवाद की विसंगतियों को बताना है, कैसे पूंजीवाद ने मानवता का विनाश किया हुआ, कैसे शोषण हो रहा है, अब जहां चाहे वहां यूज कर दीजिए। तो अब हम जरा मार्क्स के सिद्धांत पर फिर आ जाए। पहला मार्क्स के सिद्धांत की बात करें, हेडिंग वही है, सामाजिक परिवर्तन, हेडिंग तो ये सामाजिक परिवर्तन। अच्छा मान ली, दूसरा मैं फिर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, बाहर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, उसकी मार्क्सवादी व्याख्या आप कैसे करेंगे। बाहर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, उसकी मार्क्सवादी व्याख्या कैसे करेंगे, एक मजदूर होगा दूसरा मालिक होगा, एक ने जैसे खून चूसा हुआ है, मार्क्सवादी व्याख्या। तो मार्क्सवादी हर चीज की व्याख्या तो एक जैसे करते हैं। अच्छा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, कम्युनिज्म शब्द का मतलब क्या होता है, जहां पे पहले कम्युनिज्म शब्द को देखें, कम्युनिज्म मीन्स अब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। आदिम साम्यवाद का मतलब है जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। अब दिख रहा है, तो जब भी हम साम्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, साम्यवाद का मतलब है अब्सेंस ऑफ
प्राइवेट प्रॉपर्टी। जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो वो आदिम साम्यवाद है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब किसी का बैंक अकाउंट नहीं हुआ, किसी की अपनी जमीन नहीं होगी, किसी की फैक्ट्री नहीं होगी, बाकी रहने घर होंगे। और इतिहास में अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी देखना है तो अभी अंडमान आप चले जाइए, अंडमान में अभी भी कई ट्राइबल कम्युनिटी है, नॉर्थ ईस्ट में कई ट्राइबल कम्युनिटी है जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कोई विचार ही नहीं है, न किसी का अपना कोई घर है, मतलब सामूहिक घर है, लैंड कॉमन है, यही साम्यवाद की अवस्था है। और याद रखिए, नहीं जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं तो न कोई मकान मालिक, न कोई किराएदार, न कोई जमींदार, न कोई किसान, और न कोई पूंजीपति, और न ही कोई मजदूर। इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ क्लास, देयर विल बी नो क्लास इन सोसाइटी। कम्युनिज्म का दूसरा मतलब है जहां समाज वर्गों में विभाजित न हो। पहला, जहां निजी संपत्ति न हो। अच्छा, निजी संपत्ति का तो और मतलब हो जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सब ज्यादा सटीक है कि जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी न हो पहला, जहां समाज वर्गों में विभाजित न हो दूसरा, दैट इज साइन ऑफ कम्युनिज्म तीसरा, जहां रिसोर्सेस पे समुदाय का नियंत्रण हो वो साम्यवाद होगा, वेर इकोनॉमिक रिसोर्सेस आर ओन्ड बाई द कम्युनिटी। जहां आर्थिक संसाधन समुदाय, जहां आर्थिक संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण है वो साम्यवाद है, वेर इकोनॉमिक रिसोर्सेस इज ओन्ड बाई द कम्युनिटी, दैट इज अ कम्युनिज्म। अब बताइए साम्यवाद में कौन छोटा है कौन बड़ा है, अब जरा सोच के देखिए। जहां पे क्योंकि हमारे समाज में यानी अच्छा बड़े एग्जाम्पल देखिए, साम्यवादी समाज कैसा होगा, जरा हम दिल्ली को साम्यवादी समाज बना के देखें जहां पर रहते हैं, दिल्ली को साम्यवादी समाज बना के देखें जहां पर रह रहे हैं, नो किराया, किराया खत्म, कोचिंग में फीस खत्म। और सच पूछिए साम्यवादी समाज में कोचिंग जैसा इंस्टीट्यूट तो होना ही नहीं चाहिए, इट इज साइन ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्केट इकोनॉमी। तो कोचिंग में कोई फीस नहीं, कोई किराया नहीं, उसके बाद बत्रा के सामने सामूहिक भोज होगा साथ में, दैट ए कॉमन काइंड ऑफ कॉमन मील, उसके बाद सामूहिक भोज होगा, उसके बाद फिर डांस होगा। यानी सच पूछे साम्यवाद में कैसा होगा, जीवन उत्सव की तरह होगा। और याद रखिए सही बंधुता तभी होगी जब आर्थिक समानता होगी। अभी ऐसे समाज में कौन मालिक और कौन दास, सभी मालिक। हमारे एक साम्यवादी टीचर थे, अभी तो मैं एडवर्टीजमेंट देख रहा था सोनी पे, कौन बनेगा करोड़पति, दैट इज साइन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो हमारे एक साम्यवादी टीचर थे, जब हम लोग उनको ये कहा करते थे कि सर, उनका नो सर नो मैडम, उनका नाम से बुलाओ सर और से नहीं, व्यक्ति केवल एक ही तरीके से परिभाषित होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस। और आज तुम दोस्तों प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न लेते हुए मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों। आप कहें क्यों दुख हुआ, आज का पूंजीवादी समाज देखे क्या अंतर करता है, अगर प्रणब मुखर्जी भारत के रत्न है तो क्या हम भारत के कोयले हैं दोस्तों, क्या है हम ये। याद रखिए मुझे तो बड़ा अपमानजनक फील होता है दोस्तों, आपको पता नहीं कैसा लगा। और सच पूछिए अगर किसी एक, ये पूंजीवाद की चाल है, किसी एक व्यक्ति घोषित कर दे मिस यूनिवर्स, बाकी सब क्या है, मिस भूतनी, मिस यूनिवर्स, अजीब सी बात, कमाल की बात है। और विश्वविद्यालय में जाइए वहां होता है मिस्टर फ्रेशर, एक ही आदमी बाकी सब बासी है,
एक आता नहीं फिर से, यानी हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां पे कोई विषमता नहीं। और याद रखिए, यहां यहां परिवार भी नहीं होगा, हर व्यक्ति आजाद होगा। असली आजादी कहां होगी? साम्यवाद में। एक बात याद रखिए दोस्तों, बिना आर्थिक समानता की आजादी की कल्पना व्यर्थ है। मिल कहा करता था, आजादी बाधित करता है बहुमत समाज। मिल ने सही बात नहीं बताई, आजादी बहुमत समाज से वंचित होती है या आर्थिक विषमता से? दैट वॉज टोल्ड बाई द मार्क्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ लिबर्टी रादर देन दिस एन टिरनी ऑफ मेजोरिटी। बहुमत की निरंकुशता बेकार की बात है। इसी मार्क्सवादी चिंतन में दोस्तों, हर व्यक्ति जब साम्यवादी समाज हो कैसा होगा, हर व्यक्ति अगर उसकी इच्छा होगी तब काम करेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं काम करेगा। क्योंकि हमारा जीवन काम करने के लिए थोड़े बना हुआ है, हम गधे थोड़े हैं दोस्तों। इसलिए याद रखिए, जो लोग क्लास में कभी कभी आते हैं मैं उनका बड़ा दिल से सम्मान करता हूं। मर्जी है तो है, नहीं तो नहीं है। अब यह नहीं कि पढ़े पढ़े पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि साम्यवादी समाज में पढ़िए तो भी वही चीज मिलेगी और ना पढ़ेंगे तो भी वही मिलेगा। कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सामुदायिक जीवन होगा, पूरा बंधुता होगी, फ्रेटर्निटी होगी, ऐसा साम्यवाद होगा। रोमांटिक लग रहा है, वास्तविक लग रहा है? मार्क्स वैज्ञानिक है, कल्पनावादी है। That is interesting. अब ये फिर व्याख्या आ जाती है कि जो कहता है मैं साइंटिस्ट हूं, तो कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, इट अपीयर्स मोर रोमांसिज्म। अब आप देखिए, प्लेटो का साम्यवाद और मार्क्स से साम्यवाद से तुलना कर सकते हैं कि नहीं? अब तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, ये प्रिमिटिव क्यों है? साम्यवाद का मतलब तो उन्होंने बता दिया, जहां कोई क्लास नहीं होगा, जहां कोई विभाजन नहीं होगा, जहां कोई शासक नहीं, कोई शासित नहीं, सब बराबर। और अभी हमने बराबरी कहां की है? विधि के समक्ष समानता से बराबरी कर रहे हैं। लो बराबरी कर लो, अनुच्छेद 14 बराबरी कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 चाहिए या मकान पर अपना कब्जा चाहिए? और याद रखिए, साम्यवाद अगर कैसा होगा, कोई कंपटीशन नहीं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एप्लीकेशन आपने दे दिया, ऊपर आपको बुला लिया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। अगर कोई कंपटीशन होगा, सबको गोल्ड मेडल मिलेगा। कंपटीशन भाग लेना महत्वपूर्ण है, जीतना नहीं। जीतना, हारना, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, दैट इज अ कर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। ये तो मानवता के लिए अभिशाप है, लड़ा दिया यार सबको। ये हमेशा जीवन में कहते हैं। अभी मैं कह रहा हूं, 2-3 साल बस भावना पर नियंत्रण कर लो। यही कोई मैनेजर बन जाओगे तो कंपनी का मालिक रहेगा, अब भावना पर नियंत्रण कर लो, परिवार को छोड़ो। भावना पर क्यों? भावना छोड़ दिया तो जीवन छोड़ दिया दोस्तों, क्या करेंगे लेके जीवन? भावना नहीं छोड़नी है। अब इसलिए पूंजीवाद दोस्तों अजब अजब कमाल सिखाता रहता है। और याद रखिए, मार्क्स ने कहा है ऐसा समाज पहले था, क्योंकि लेकिन ये प्रिमिटिव भी था। प्रिमिटिव का मतलब है जहां मशीनों का विकास नहीं था, जहां आधुनिक तकनीक का विकास नहीं था, जहां आधुनिक सभ्यता का विकास नहीं था। यानी सोसाइटी वॉज मोर लाइक ए ट्राइबल सोसाइटी। समाज कैसा था? ट्राइबल। और कहा जाता है कि मॉर्गन एक राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी, मॉर्गन के इसी विचार को मार्क्स ने ले लिया था। मार्क्स ने कहा था वंस अपॉन अ टाइम ऐसा समाज था, लेकिन दोस्तों इस समाज की शांति ने ये मामला मार्क्स इतिहास की व्याख्या ऐसे शुरू होती है जैसे रोमांटिक मूवी, पहले हीरो हीरोइन के बीच बड़े अच्छे संबंध, उसने विलेन कूदा और दोस्तों अब विलेन कूद रहा है। लेकिन ये समाज की शांति कैसे भंग हो गई? अगला इतिहास की अगली व्याख्या, दासता का युग। हेडिंग लिखिए वैसे लिखिए आपकी मर्जी, भाई इतिहास की व्याख्या हम कर रहे हैं। अभी जाएगा वही तो मैं बता रहा हूं। स्टेज ऑफ स्लेवरी, दासता का युग। तो पहला
दास युग में पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टी का उद्भव हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट टाइम इन द एज ऑफ स्लेवरी। दास युग में पहली बार निजी संपत्ति का उद्भव हुआ। अब देखिए, लॉजिकल सी बात है, अब रटने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ तो क्लास नहीं होगा, और क्लास नहीं होगा तो न राज्य होगा, न धर्म होगा, न परिवार होगा। अच्छा, परिवार का मतलब जो ताऊ वाला परिवार नहीं है, प्रेम संबंध होंगे, जिसको व्यक्ति चाहेगा उसके साथ उसके संबंध होंगे, कोई बंधन नहीं होगा। आप कहेंगे यही बात तो मार्क्स में सुनना चाहता था, यानी ज्वाइंट फैमिली नहीं होगी, हर व्यक्ति का अपने स्वेच्छा के आधार पर संबंध होगा। लॉजिकल से अब इसके रटने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो क्लास है, क्लास है तो राज्य है, राज्य है तो धर्म है, धर्म है तो विचारधारा है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो क्लास नहीं, क्लास नहीं स्टेट नहीं, डिवीजन नहीं। लॉजिकल सी बातें हैं। तो दास युग में पहला क्या आया? प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई। अब जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, समाज क्लास में बट गया। अभी लॉजिकल है, रटने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, समाज क्लास में बट गया, और क्लास क्या था? पहला मास्टर और दूसरा स्लेव। और जैसे क्लास में सोसाइटी बटी, वैसे ही राज्य का निर्माण किसने किया? मास्टर्स ने। राज्य का निर्माण मास्टर ने कर लिया, और इसी शासक वर्ग ने राज्य का निर्माण किया, सरकार का निर्माण किया, धर्म संस्कृति विचारधारा का निर्माण किया। किसके शोषण के लिए? स्लेव। इसलिए दास युग में निजी संपत्ति आ गई, निजी संपत्ति आ गई, समाज वर्ग में बट गया, वर्ग में बट गया, पहली बार राज्य की स्थापना हुई। इसलिए मार्क्सवादियों ने, कल हमने आपको राज्य के बारे में बताया था, मार्क्सवादियों ने कहा कि राज्य इतिहास के विशेष क्रम पर उत्पत्ति हुई। स्टेट इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन लाइक हेगल। राज्य समझौते से नहीं बना, ये डिवाइन नहीं है, बल्कि शोषण का यंत्र है, जो विशेष इतिहास के विशेष विकास के चरण में पैदा हुआ, जब समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। मीन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू अपोजिट क्लासेस। जब समाज दो वर्गों में बट गया, तो स्वाभाविक तौर पर इतिहास विषमता पैदा हो गई, और शोषण किसका होने लगा? दासों का। दास क्या थे? मालिक की निजी संपत्ति। इसे यूनानी युग नैतिकता का युग था या शोषण का युग था? अगर कंपेयर करके देखिए, प्लेटो क्या कहता था? व्यक्ति नैतिक हो जाए। अरिस्टोटल क्या कहता था? व्यक्ति नैतिक हो जाए। व्यक्ति नैतिक कहां से होगा जब समाज में विषमता होगी? यानी ऐसा नहीं था कि, और अरस्तु जैसे महान विचारक ने दासता को जस्टिफाई किया, दासता को उन्होंने उचितपूर्ण बताया, दासता प्राकृतिक है, दासता प्राकृतिक है। अब आप देखेंगे कि, और सवाल यह है कि मार्क्स के इतिहास की इस अवस्था से इस अवस्था में, दैट इज सोशल चेंज, और व्हाट इज सोशल चेंज? दो वर्ग के बीच का संबंध। इतिहास की इस अवस्था से इस अवस्था में विकास कैसे हुआ? द्वंद्वात्मक, नंबर एक, डायलेक्टिकल। अब हम डायलेक्टिकल शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने इसका प्रयोग पहले कर दिया, डायलेक्टिकल। और दूसरा, जैसे ही उत्पादन के साधन बदले, वैसे उत्पादन के संबंध बदल गए। अच्छा, यहां उत्पादन के साधन क्या है? व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन स्लेवरी? उत्पादन जो करेगा वही उत्पादन का साधन होगा। तो क्या है? दास ही उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के साधन दास ही थे। स्लेव्स वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन दास थे, लेकिन उत्पादन के संबंध मास्टर और स्लेव के बीच का संबंध। अब बताइए,
क्लास के बीच का संबंध सहयोगी होगा या संघर्ष वाला होगा, शोषणकारी होगा या पूरक होगा, इसका लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा या वर्ग संघर्ष से परिवर्तन होगा। अगला पॉइंट, इसीलिए इसलिए मार्क्स ने कहा कि अभी तक का इतिहास देयरफोर मार्क्स सेड दैट, इसलिए मार्क्स ने कहा अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और टिल नाउ हिस्ट्री इज ए हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल और समाज का लोकतांत्रिक परिवर्तन संभव नहीं है। डेमोक्रेटिक चेंज ऑफ सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। डेमोक्रेटिक चेंज ऑफ सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल, समाज का लोकतांत्रिक परिवर्तन संभव नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष के द्वारा ही समाज का बदलाव होगा। क्लास स्ट्रगल इज अ मैकेनिज्म टू चेंज द सोसाइटी। वर्ग संघर्ष के द्वारा ही समाज का बदलाव होगा। अब देखिए यहीं से इतिहास की व्याख्या शुरू हो गई। अब आप देखेंगे कि लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलते हैं, और एक बात याद दिला दें, इतिहास की आर्थिक व्याख्या है आध्यात्मिक, यही तो हेगल से फर्क है। यानी मार्क्स का समाज और इतिहास आर्थिक रूप में आगे बढ़ता है, और जब आर्थिक रूप में व्याख्या हुई तब इसी को कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। भौतिकवादी क्या है? आर्थिक व्याख्या। इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या है? हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, यही आर्थिक व्याख्या है। आर्थिक व्याख्या का मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज। अब देखिए तीसरा स्टेज, तीसरा फ्यूडलिज्म। इतिहास का जो तीसरा स्टेज है स्लेवरी के बाद, दैट इज फ्यूडलिज्म। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। अब देखिए इसकी आर्थिक व्याख्या कैसे हुई? फ्यूडलिज्म की आर्थिक व्याख्या कैसे हुई? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, उत्पादन के साधन में बदलाव हुआ। कैसे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अब दास नहीं रहा, जमीन हो गई, लैंड। देयरफोर द टर्म फ्यूडलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द फ्यूड। फ्यूड मीन्स अ पैच ऑफ लैंड। फ्यूडलिज्म शब्द सामंतवाद शब्द ही भूमि से बना हुआ है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहां क्या बदल गया? लैंड, फ्यूड। अच्छा, दास युग में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था? दास, स्लेव्स वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे दासों से खूब काम कराया गया और काम करा के अपना फायदा किया गया। अरस्तु ने कहा कोई काम नहीं कर। मार्क्स ने कहा बहुत होशियार था अरस्तु, बेकार का आदमी था, नैतिकता है, नैतिकता की बात, अरे इकोनॉमी की बात करो। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो गया। तो जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा नया क्लास आ जाएगा। तो नया क्लास क्या था? लैंडलॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड, लैंडलॉर्ड आ गया। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे चेंज हुआ लैंडलॉर्ड आ गया, और दूसरी तरफ कौन था? पीसेंट, किसान, या कई बार उसे कहा गया सर्फ,
दूसरी तरफ क्या था? पीसेंट, किसान या सर्फ। SERF, सर्फ किसान भी कहा गया, सर्फ भी कहा गया। अब आप देखिए फिर समाज क्लास में बढ़ गया। खास बात है, दास युग में था मास्टर एंड स्लेव, यहां क्या हो गया? लैंडलॉर्ड एंड पीसेंट। समाज वर्गों में अभी भी बटा है, बस केवल वर्ग चेंज हो गए। अब इसलिए अच्छा आपको बता दें, अब देखिए अगर इसी बात को हम फिर से बोल दें, अगर हम कहें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये बात कही जा सकती है? उत्पादन के साधनों ने उत्पादन के संबंध को बदल दिया। उत्पादन का संबंध क्या है? सामाजिक संबंध, इनके इनके बीच में, दैट इज अ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संबंध है, जो कल ही मैंने बताया था आपको। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे चेंज हुआ, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, दास युग में भी शोषण था, यहां भी शोषण है। दास युग में वर्ग था, यहां भी वर्ग है। लेकिन आप जानते हैं मार्क्स का उद्देश्य न तो स्लेवरी को दिखाना था न इसको दिखाना था, इसलिए कभी भी इन चीजों को एक लाइन में लिख के आगे निकल जाइए। उसका मूल उद्देश्य कहां था? यहां पे। और वो लिख कहां रहा था? वो यहां पे थोड़ी था, वहां पे नहीं था, यहीं पे था वो। उसने तो अपने आप को वैज्ञानिक बताने के लिए सारी इतिहास की प्रीवियस स्टेज का विश्लेषण कर दिया, उसका मूल ध्यान था। अब फिर चेंज हुआ समाज, अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आया? कैपिटल। यहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, यहां उत्पादन का साधन बदला, और अब क्या हो गया? पूंजी, जमीन नहीं, कैपिटल। और जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, क्लास भी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, उत्पादन के संबंध बदल गए। जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हुआ? एक तरफ बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट, दूसरी तरफ प्रोलेटरेट। यहां उत्पादन के संबंध क्या थे? दास युग, सामंतवादी युग में लैंडलॉर्ड और पीसेंट, यहां पर उत्पादन के संबंध क्या बन गए? बुर्जुआ और सर्वहारा, बुर्जुआ और सर्वहारा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्लास इज रिमेन द सेम क्लास। और यहीं पे मार्क्स ने बड़ी अच्छी लाइन कही, मार्क्स ने क्या कहा? अगला पॉइंट, अब आप देखिए कैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहा है, यही तो इतिहास की व्याख्या है। अब बताइए ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है या नहीं? पहला, मार्क्सो वैज्ञानिक कहा जाए या ना कहा जाए। दूसरा, व्हाट अ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन, इतिहास की बिल्कुल वैज्ञानिक व्याख्या की कि कैसे भौतिक तत्व तो बदल रहे हैं एक क्लास दूसरे क्लास को, और कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज को बदल रही है। दैट इज अ हाईली साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स, अभी तक किसी ने किया नहीं था। लेकिन जो उसने महत्वपूर्ण बात क्या कही, पहला आपको याद होगा हमने दो चीज बता दिया, इंग्लैंड का इकोनॉमी, जर्मनी का हेगल, हेगल का दर्शन, तीसरी बात फ्रांस की क्रांति, ये बतानी है पहला पॉइंट। मार्क्स मार्क्स ने कहा कि अभी तक केवल, अच्छा मंडे से आपकी क्लास रिमेन 9 o'clock, मंडे से आप क्लास 9 बजे से ही रहेगी। तो मार्क्स ने कहा वो क्लास अलग है, 9 o'clock से रहेगी, और फिर हमें समय मिलेगा फिर हम 8:30 कर देंगे। क्या लिखा आपने? ये फ्लेक्सिबल रहेगा, क्या लिखा आपने?
अभी तक केवल शोषण के रूप बदले हैं। Marx said that till now only the forms of exploitation changed. शोषण के रूप बदले हैं, शोषण समाप्त नहीं हुआ। शोषण के रूप बदले हैं और शोषण समाप्त नहीं हुआ। और जो अगली बात उसने कही बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने कहा पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज अपने के पहले के समाजों से ज्यादा प्रगतिशील है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज मोर प्रोग्रेसिव देन इट्स प्रीवियस स्टेजेस। पूंजीवादी समाज अपने के पहले समाजों से ज्यादा प्रगतिशील है, लेकिन लेकिन पूंजीवादी समाज का शोषण भी पूंजीवादी समाज का शोषण भी पहले से ज्यादा व्यवस्थित और गंभीर है। बट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपिटलिज्म इज मोर, पूंजीवादी समाजों का शोषण पहले से ज्यादा गंभीर और व्यवस्थित है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैपिटलिज्म इज मोर सिस्टमेटिक एंड मोर सिस्टमेटिक एंड मोर सबस्टेंशियल, ज्यादा गंभीर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, इन दोनों बातों में आपको विरोधाभास लगा या नहीं लगा? देखिए, दो सेंटेंस हमने कहा, मार्क्स ने खुद कहा, मार्क्स ने कहा इतिहास का फेज को गिनते जाइए, प्रिमिटिव फ्यूडलिज्म, स्लेवरी फ्यूडलिज्म, एक स्टेज तो हमने यहां से भी हटा दिया है, वो क्या है, स्लेवरी, स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म। कैपिटलिज्म ज्यादा प्रगतिशील है या ये, क्यों? मार्क्स ने कहा इट इज मोर प्रोग्रेसिव, मार्क्स ने कहा पूंजीवाद ज्यादा अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है इनसे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, लेकिन इसमें शोषण ज्यादा सिस्टमेटिक है, शोषण ज्यादा प्रभावशाली है, क्यों? अच्छा, दोनों बातें पैराडॉक्सिकल हैं, एक ही जैसी हैं, पैराडॉक्सिकल हैं, एक ही जैसी हैं। अच्छा बताइए, पूंजीवादी क्यों प्रगतिशील है पहले के समाजों से? सही बात है, और कारण आपको बता दें, वही मार्क्स सेड दैट कैपिटलिज्म इज मोर प्रोग्रेसिव। पॉइंट नंबर एक, मशीन आज पूंजीवादी युग में आए, उत्पादन के बड़े बड़े मशीनें कहां आई? कैपिटलिज्म में। और मार्क्स से बात मानता है, इफ वी वांट टू लिबरेट द ह्यूमैनिटी देयरफॉर मींस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सोफिस्टिकेटेड। जब तक उत्पादन के साधन अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम मानवता की भलाई कैसे कर पाएंगे? लोगों को चीजें नहीं मिलेगी, उनको साधन नहीं मिलेगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हमें उत्पादन के साधन को चेंज किया जाए, बड़े बड़े चीजों को बदलाव किया जाए। तो पहला उसने कहा कि नहीं, कैपिटलिज्म ने काम किया। दूसरा, उद्योगों का विकास कौन लेकर आया? शहरों का विकास किसने किया? लोकतंत्र का विचार कौन लेकर आया? अधिकारों का विचार कौन लेकर आया? और आपको याद दिला दें, मार्क्स नेवर अपोज डेमोक्रेसी, राइट्स, ये सारा विचार तो पूंजीवाद लेकर आया। पूंजीवाद प्रगतिशील है या नहीं है? मशीन, कम्युनिकेशन, संचार, ये सब पूंजीवाद लेकर आया। व्हाट्सएप कौन लेकर आया? फेसबुक, संविधान का शासन, तो मार्क्स ने कहा। और सच पूछिए, मार्क्स ने तो इतना तक कहा, एक बात याद रखिए, मार्क्स किसानों को बड़ा ही रिएक्शनरी मानता है,
मार्क्स का किसानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मार्क्स ने कहा जो किसान है अपनी जमीन से चिपके रहते हैं, मार्क्स से अपनी जमीन से चिपके रहते हैं। और दूसरी बात उसने कही, लेकिन कैपिटलिज्म एक खास बात होती है। अब देखिए कैपिटलिज्म का एक तो कैपिटलिज्म प्रगतिशील है क्योंकि ये विचार लेकर आया, इसका मतलब मार्क्स लोकतंत्र को मानता है, अधिकार को मानता है, उसमें इसका दो राय नहीं है। प्रॉब्लम यह है वो कहता है यार बिना आर्थिक समानता की चीजें बेकार हैं। इसे मार्क्स को कई बार लोग कहते हैं कि वो लोकतंत्र का विरोधी था, अधिकारों का विरोधी था, वो क्रांति की बात करता था, नहीं बात करता था। और उसने तो कहा भी कि बताइए जब पूंजीपतियों ने सत्ता छीनी, उसने कहा क्या, इसी बात को लिख लीजिए, फिर हम इसकी भी व्याख्या करेंगे कि पहला पूंजीवाद प्रगतिशील क्यों है, उसके बाद फिर शोषणकारी कैसे है। अच्छा शोषणकारी कैसे लिखने से पहले एक एग्जाम्पल आप देख लेंगे, आप पुरानी फिल्में देखिए। अच्छा पहले समाजवाद का बड़ा प्रभाव था, बहुत ध्यान से देखें आजकल की सारी फिल्मों में पूंजीवाद बिल्कुल चरम पर है। सारी फिल्मों में क्या मामला है, फिर हेरा फेरी, सारी फिल्मों में एकदम से ग्लैमरस चीजें आती हैं। अब पहले पहले देखो दोस्तों, पहले समाजवाद का प्रभाव कैसा था, राज कपूर अपनी बैलगाड़ी से चले जा रहे लालटेन लेके, आवारा हूं। आवारा व्यक्ति समाजवाद में ही होता है, पूंजीवाद का व्यक्ति आवारा नहीं होता, स्मार्ट होता है वो। आवारा और स्मार्ट होने में फर्क है। क्या क्या आप बताइए। अच्छा जो बात ध्यान में रखने की है कि पहले जो पहले तो अब देखिए अभी पूंजीवाद का विकास, याद रखिए जो भी समाज में विचारधारा होती है उसका प्रभाव ये सब दिखता है। तो पहले की फिल्में आप देखिए 1960 और 70 के दशक की, उसमें खूब होता था समाज का परिवर्तन। लास्ट में शोषण ऐसा हुआ करता था कि अब मदर इंडिया में देखिए कि औरत ही बैल की जगह पे लग जा रही है, और ऐसा दिखता था। फिल्म देखकर आए आप बाहर, लगा कि ना अब तो समाज को बदलना है, मुझे यह समाज नहीं चाहिए। फिल्म देखते देखते शोषण को देखकर व्यक्ति के आंसू निकल जाते थे, समाजवाद का प्रभाव ऐसा था। और अंत में क्या होती थी, क्रांति होती थी। फिल्म में क्रांति कैसे होती थी, सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे और मुनीम की पोथी जला देते थे, उर्जी उनका पूरा उधार का बही खाता हुआ करता था। पहलू के पास ऐसा था। अब सवाल है इसका मतलब है दास युग में ये बात पता थी कि हमारा शोषण कौन कर रहा है, मालिक। सामंतवाद में पता था हमारा शोषण कौन कर रहा है, फ्यूडल लॉर्ड। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है इस स्टेज में, अभी पूंजीवाद में किसका शोषण कौन कर रहा है, कैपिटलिज्म में बाकी जगह तो पता था कौन हमारा शोषण कर रहा है, विजिबल था, अभी कौन शोषण कर रहा है। एक बार बहुत ध्यान से देखिए, अभी शोषण का लेयर है क्योंकि शोषण सिस्टमेटिक हो गया, संवैधानिक हो गया, इंस्टीट्यूशन बना दिया हमने, ये संस्थाएं बना दी, और लोग समझ ही नहीं पा रहे कि शोषण हो कहां से रहा है। एंड दैट इज ए सिस्टमेटिक, दैट इज सिस्टमेटिक। तो मार्क्स ने क्या कहा, अगला पॉइंट मार्क्स के विचारों पर हेडिंग अगर डालना हो तो लिख लीजिए पूंजीवाद का विश्लेषण, हेडिंग चेंज कर लीजिए अगर हेडिंग आप लिखना ही चाहते हैं, बहुत लंबा हेडिंग इस पर हो गया। अगला हेडिंग है पूंजीवाद का विश्लेषण या पूंजीवाद का विनाश। विश्लेषण के विनाश ज्यादा सही, मार्क्स विनाश में ज्यादा विश्वास रखता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का विनाश, मार्क्स ने कहा। मार्क्स ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मार्क्स ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति बुर्जुआवादी क्रांति है।
मार्क्स सेड दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ बुर्जुआजी रेवोल्यूशन। मार्क्स ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति बुर्जुआवादी क्रांति है, जहां जहां सामंतों के हाथ से जहां सामंतों के हाथ से पूंजीपतियों के द्वारा सामंतों के हाथ से पूंजीपतियों के द्वारा सत्ता छीन ली गई, जहां सामंत के द्वारा पूंजीपतियों से सत्ता छीन ली गई। मार्क्स अतः मार्क्स के विचारों पर अतः मार्क्स के विचारों पर फ्रांसीसी क्रांति का अत्यधिक प्रभाव है। मार्क्स सेड दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ बुर्जुआजी रेवोल्यूशन वेयर बुर्जुआजी हैज टेकन ओवर द पावर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स। देयरफॉर मार्क्स वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो वो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से बड़ा प्रभावित था। अगला, मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद ने उन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण किया है कैपिटलिज्म हैज क्रिएटेड दोज मेटेरियल कंडीशन अंडरलाइन और सोशल लाइफ। पूंजीवाद ने उन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण किया है जिससे सर्वहारा में वर्ग चेतना का विकास होगा। वर्ग चेतना अंडरलाइन कैपिटलिज्म हैज क्रिएटेड दोज मेटेरियल कंडीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस इन द प्रोलेटेरिएट। जिससे सर्वहा वर्ग में वर्ग चेतना का विकास होगा। अब देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसी वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस की बात पहली बार कैपिटलिज्म में आएगी। आपको याद होगा चेतना तो व्यक्ति में शुरू से है बिकॉज ह्यूमन बींग इज कॉन्शियस। देयर इज कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बींग। मानव में चेतना तो शुरू से है, शोषण भी पहले से हो रहा है, लेकिन वर्ग चेतना पहली बार कहां रही है? पूंजीवाद में। मार्क्स से विकास में क्रम है, इसका मतलब वर्ग चेतना इसके पहले नहीं हो सकती। और दूसरा, वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस इज डेवलपिंग ड्यू टू सम मेटेरियल कंडीशंस। भौतिक परिस्थितियों से बन रही है। वर्ग चेतना लाने में पार्टी का रोल नहीं है, पार्टी का रोल नहीं है, टीचर का रोल नहीं है। मार्क्स ने पार्टी को तो कभी माना ही नहीं। इट इज क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप स्पॉन्टेनियसली, वो स्वाभाविक रूप में विकसित हो जाती है। तो आखिर पूंजीवाद ने ऐसा क्या कर दिया कि वर्ग चेतना बन गई? आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। गांव में जब आप जाते हैं और जब स्टूडेंट एज अ कम्युनिटी के रूप में रहते हैं, आपके व्यवहार में कुछ चेंज आता है? वैसे ही होता है। स्टूडेंट इज अ क्लास। और आप याद रखिए, जब एक साथ आप रहते हैं तो सीसेट खिलाफ आंदोलन कर दिया। यही स्टूडेंट है, जब गांव में आप जाते हैं तो पता नहीं कितनी धर्म में जाए तो उसकी बाध्यताओं से आप सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब यही स्टूडेंट शहरों में आता है और फिर वो तब उसकी एक ही परिभाषा होती है, स्टूडेंट
दैट इज ट्रू फॉर द वर्किंग क्लास टू। देखिए किसान, किसान मार्क्स पता, किसान तो कभी क्रांति कर ही नहीं सकता। मार्क्स वॉज वेरी मच पेसिमिस्ट अबाउट द पीजेंट। वो कहते किसान तो पता नहीं कितनी परंपरा प्रथा संपत्ति से बंधा होता है। और जब पहली बार मजदूर शहर में आया, अच्छा मजदूरों का निर्माण कैसे हुआ, कैपिटलिज्म से। वह कारखाने आए तभी तो प्रोलेटेरियट आया, वर्किंग क्लास है उसके विरुद्ध किसान था। यानी मजदूरों में क्लास कंसियसनेस पैदा होगा, बिकॉज वाई, बिकॉज वर्किंग क्लास इज लिविंग इन सिटीज। जो वर्किंग क्लास होता है वो शहरों में रहता है, और शहरों में पता नहीं कितने बंधन पीछे छोड़ के चलाया, जाति का धर्म का। तो ये पहले का डिवीजन था। नाउ क्लास कंसियसनेस डेवलप ड्यू टू मेटेरियल कंडीशन। तो मेटेरियल कंडीशन क्या है, जो शहरों ने बनाया, जो अर्बन सेंटर में हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप हुआ, दैट इज मेटेरियल कंडीशन। तो मेटेरियल कंडीशन क्या है, क्लास की फीलिंग पहली बार की। वर्किंग क्लास एक साथ रहना शुरू किया, और आप ये बात जानते हैं पहले वर्किंग क्लास शहर में आया तो उसके बाद परिवार भी नहीं थे, वो तो वर्किंग श्रमिक ही था केवल। तो केस कौन सी मेटेरियल कंडीशन थी, नंबर एक, व्हाट द मेटेरियल कंडीशन, वो कौन सी भौतिक परिस्थितियां थी जिससे ऊपर की चेतना पैदा हुई। तो पहला पहला शहरों में श्रमिकों का एक साथ निवास, द यूनिटी ऑफ द वर्किंग क्लास इन सिटीज, यूनिटी ऑफ वर्किंग क्लास इन सिटीज, शहरों में श्रमिक वर्ग का एक साथ निवास, दूसरा संचार, संचार के बेहतर माध्यम, बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा, तीसरा फैक्ट्री की उत्पादन प्रणाली, फैक्ट्री की उत्पादन प्रणाली, मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री की उत्पादन प्रणाली, मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और अब देखेंगे फैक्ट्री की उत्पादन प्रणाली या कैपिटलिस्ट उत्पादन की खास बात होती है जिसने वर्ग चेतना पैदा की। कैपिटलिज्म में क्या होता है, पूंजीवाद में हमेशा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर बल दिया जाता है। और ये बात आप जानते हैं, पूंजीवाद के उत्पादन का मूल उद्देश्य क्या होता है, मोर एंड मोर प्रॉफिट, सरप्लस वैल्यू। मार्क्स के शब्दों में कहें पूंजीवादी शासन खास विशेषता होती है कि मशीन उत्पादन करती है, मशीनें बल्क में चीजें बनाती हैं। हैंडीक्राफ्ट से कभी भी चीजें इतनी बड़ी मात्रा में नहीं बन पाई। अब देखें पहले पहले हमारे उत्पादन तरीका किसान, आज भी गांव में देख किसान खेती क्यों करता है, केवल अपनी आजीविका बेचने के लिए नहीं है। बेचने वाला विचार ही कैपिटलिज्म ने पैदा किया। पहले भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती थी, बट देवर ओनली वरीड फॉर देयर ओन कंजम्पशन, कि भाई उनके लिए काम चीजें बन जाए। देवर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स। बेचने का विचार, प्रॉफिट का विचार पूंजीवाद लेकर आया, और प्रॉफिट तब होगा जब ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और ये बात आप याद रखिए, प्रॉफिट तब होगा जब मजदूरी कम रखेंगे, मजदूरी कम रखेंगे। तो मजदूरी कम होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंजम्पशन कम होगा। भाई व्हाट इज इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक, अच्छा आपने सुना होगा कि भारतीय कार इंडस्ट्री में रिसेशन आ रहा है, तो कार की कमी है, खरीदने वालों की कमी है, खरीदता कौन है, बहुसंख्या में कौन है, वर्किंग क्लास। तो क्या होगा, मोर प्रोडक्शन लेस कंजम्पशन, यही पूंजीवाद की समस्या है। और दोस्तों मार्क्स ने ऐसा पूंजीवाद का पोस्टमार्टम किया शायद ही कोई किसी ने किया होगा। ये बात याद रखिए, मार्क्स ने पूंजीवाद की धज्जियां उड़ा के रख दी, पूंजीवाद की खामी देखना होता है। एक बार मार्क्स बाबा को हम फिर से याद करते हैं, जरा बताओ बाबा क्या तुमने कहा था पूंजीवाद के बारे में। तो मोर प्रोडक्शन लेस कंजम्पशन, तो जब उत्पादन कम होगा तो फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री में लोगों की छटनी होगी,
जब उत्पादन कम होगा तो देयर विल बी इवन हायर एंड फायर पॉलिसी ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री। उत्पादन कम है और उत्पादन कम है तो अंतिमता क्या होगा, उत्पादन और कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम श्रमिक कर रहे थे उनको आपने नौकरी से निकाल दिया। और कैपिटलिज्म का सीधा तरीका यह है कि कर्मचारियों को भगा देता है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, तो लेस वर्कर्स इस मीन्स मोर प्रॉफिट। अंत में क्या होगा, देयर विल बी लॉकआउट इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होगा, तालेबंदी हो जाएगी, लॉकआउट इन द फैक्ट्री हो जाएगी। और संयोग की बात है, जब फैक्ट्री में ताला बंद होता है तब तो उस समय संवैधानिक उदारवादी राज्य नहीं आता लोगों को खिलाने पिलाने के लिए, हड़ताल होगी जरूर आ जाएगा, धरना प्रदर्शन रोकने आ जाएगा, लोगों को खिलाने नहीं आएगा। और जो लॉकआउट होगा, अब सर्वहारा वर्ग के पास दो विकल्प है, या तो भूख से मर जाए या क्रांति करके मर जाए। इसलिए सर्वहारा वर्ग में अब क्या होगा, विकल्प दो है, मरना ही है तो क्यों न रेवोल्यूशन किया जाए। तो मार्क्स ने क्या लिखा, अगला पॉइंट, मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि पूंजीवाद के विनाश के बीच पूंजीवाद के विनाश के बीच स्वयं पूंजीवाद में निहित होते हैं। द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म लाइज इन द कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के विनाश के बीच स्वयं पूंजीवाद में निहित होते हैं। सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म लाइज इन कैपिटलिज्म इटसेल्फ। पूंजीवाद के विनाश के बीज स्वयं पूंजीवाद में होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उसने, ये पूंजीवाद का विनाश का बीज क्या है, व्हाट इज द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के विनाश का बीज कौन है, कौन कौन है, अरे वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास ही तो क्रांति कर रहा है, जो क्रांति करेगा वही पूंजीवाद का विनाश करेगा। वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास किसने पैदा किया, पूंजीवाद जिसे पैदा कर रहा है वही उसका विनाश करेगा। क्यों, और पूंजीवाद में वर्ग चेतना आ गई, वर्ग चेतना यानी वर्कर क्यों क्रांति करेगा, वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए या पूरे उत्पादन पर अपना नियंत्रण के लिए, क्यों क्रांति करेगा, उत्पादन पर नियंत्रण के लिए, वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए नहीं, ये क्लास कंसेप्शन कैसे होगा। इस अगला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हुए मार्क्स ने कहा, व्हाइल राइटिंग इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हुए मार्क्स ने कहा कि मजदूरों के पास पैरों की बेड़ियों के अलावा होने के लिए कुछ भी नहीं है। वर्किंग क्लास हैज नथिंग टू लूज एक्सेप्ट देयर चेन्स। व्हाइल राइटिंग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स सेड दैट वर्किंग क्लास हैज नथिंग टू लूज एक्सेप्ट देयर चेन्स। मजदूर के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, खोने के लिए क्या है, पैरों की बेड़ियां। दोस्तों, बेड़ी शब्द का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, पैरों की बेड़ियां, पैरों की बेड़ियों खो देने का मतलब आजादी मिल जाना। आपके पैरों में बेड़ियां है या नहीं है, पैरों में बेड़ियां है, मुझे दिख नहीं रही है,
कौन सी बेड़ियां हैं? तो आप याद रखिए, इसलिए जब अच्छा बेड़ियों की बात बहुत लोग कहते हैं, रूसो ने कहा था मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरी एवर इज इन चेन, व्यक्ति आजाद पैदा हुआ लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और मार्क्स ने कहा पैरों मजदूरों के पास क्या खोने को है, पैरों की बेड़िया, और ये बेड़ी ही तो है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, शोषण हो रहा है क्योंकि फैक्ट्री में कभी इनको पूरा पैसा मिलता नहीं। अच्छा इनको अपने श्रम का वास्तविक मूल्य मिलता है, आजीविका निर्वाह मूल्य मिलता है, मैंने पहले बता रखा है। इसलिए पैरों की बेड़िया खोने को है, इसलिए उसने क्या कहा, इसलिए इसलिए मार्क्स ने कहा कि दुनिया के सभी सर्वहारा एक हो जाओ, इसलिए मार्क्स ने कहा कि दुनिया के सभी सर्वहारा एक हो जाओ। देयरफोर ही सेड दैट प्रोलेटरिएट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड शुड बी यूनाइट, दुनिया के सभी सर्वहारा एक हो जाओ। और आपको याद दिला दें सभी सर्वहारा एक हो जाओ का मतलब है, जब कम्युनिकेशन तो था ही, तो एक वर्किंग क्लास के लोगों ने दूसरे से टेलीफोन करके पूछा भाई हम तो एकदम से मर रहे हैं, तुम्हारी भी कंडीशन कैसे होगी, तो हम भी मर ही रहे हैं दोस्त, हमारे भी हाल बिल्कुल वैसे है जैसे आपको लगता नहीं, अगर किसी का पीटी फेल हो गया दूसरे तरफ तुम्हारा क्या हुआ, तो फेल हुआ तब तो बहुत अच्छा लगा उसको, तो सेम सेंटिमेंट्स हैं। तो सर्वहारा वर्ग ने क्या कहा, पूरी दुनिया के लोग एक हो जाओ। इसलिए मार्क्स राष्ट्रवादी है या अंतर्राष्ट्रीयतावादी, मार्क्स वाज नेबर नेशनलिस्ट, क्रांति किसी एक देश में करनी थी या पूरी दुनिया में, ओ माय गॉड। और दूसरी बात, वो सिद्धांतकार था या क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था, पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, इसका सीधा सा मतलब है पूंजीवाद के पहले क्रांति होगी या पूंजीवाद के बाद, पूंजीवाद के पहले क्रांति नहीं हो सकती। और इसलिए अगला पॉइंट, क्रांति के इसी विचार को, क्रांति के इसी विचार को मार्क्स ने प्रैक्सिस का नाम दिया, प्रैक्सिस PRAXIS। PRAXIS, the same idea of revolution was described by Marx as praxis. Marx ने praxis का विचार दिया, जिसका अभिप्राय है, जिसका अभिप्राय है कि मार्क्स ने स्वयं 1864 में, मार्क्स ने स्वयं 1864 में मार्क्स हिमसेल्फ फाउंडेड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन 1864, मार्क्स ने स्वयं 1864 में साम्यवादी क्रांति के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की। मार्क्स हिमसेल्फ फाउंडेड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इन 1864 फॉर ब्रिंगिंग आउट रेवोल्यूशन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। 1864 में उसने साम्यवादी क्रांति के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया। तो व्हाट इज प्रैक्सिस, प्रैक्सिस का मतलब है क्रांति का सिद्धांत देना है, करना भी है, करना है क्रांति, करना है केवल सिद्धांत नहीं देना है, बाकी थोड़ी चीज बची हुई है तो ग्रामश की हंडा अंडा पड़ेगा मंडे और 9 o'clock।